विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद में 11,238 शस्त्र धारकों का शस्त्र जमा करा दिया गया है, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद में पोर्टल के अनुसार 22,969 शस्त्र धारक पंजीकृत हैं, जिसको देखते हुए 11,238 लोगों का शस्त्र जमा करा लिया गया है। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी के सामने कई आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें लोगों द्वारा विभिन्न कारणों से शस्त्रों को अपने पास रखने की मांग की गई है। उन्होंने कहा, स्क्रीनिंग कमेटी के बैठक में 130 लोगों को शस्त्र को अपने पास रखने की अनुमति दे दी गई है तथा जनपद के सभी थानों को शस्त्र जमा करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और प्रतिदिन शस्त्र जमा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी भी स्क्रीनिंग कमेटी के सामने आवेदन आ रहे हैं, आगे स्क्रीनिंग कमेटी जो निर्णय लेगी उसको शस्त्र न जमा करने की छूट दी जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, देखिए जनपद में जो पोर्टल है उस पे कुल 22,969 शस्त्र धारक जो है पंजीकृत हैं और इसी क्रम में 11,238 कल रात तक शस्त्र जो है जमा करा लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त हमें स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष भी कई आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें लोगों द्वारा विभिन्न कारणों से अपने शस्त्रों को अपने पास रखने की मांग की गई है, तो उस पर भी स्क्रीनिंग कमेटी की एक बैठक हो चुकी है। उस बैठक में 130 लोग के नाम की संस्तुति कर दी गई है, जिनका शस्त्र उनको अपने पास रखने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा प्रत्येक थाने को स्ट्रिक्टली बता दिया गया है कि शस्त्र जमा करने में किसी प्रकार कोताही नहीं की जाएगी, तो प्रतिदिन शस्त्र जमा हो रहे हैं और स्क्रीनिंग कमेटी के लिए अलग से आवेदन लिए जा रहे हैं, तो स्क्रीनिंग कमेटी जिसको समझेगी उसका एक्सेप्शन करेगी और इस प्रकार हमारे शस्त्र की अभी तक की प्रगति जो है वो लगभग 12,000 होने वाली है, आजकल 12,000 हो जाएगी, इसके आगे फिर स्क्रीनिंग कमेटी निर्णय के बाद आगे कार्रवाई होगी।